अगर आप भी जोड़ों के दर्द से परेशान हैं या फिर साइटिका पेन से परेशान हैं, जो कमर के एक साइड में शुरू होता है और धीरे धीरे पूरे पैर में चला जाता है, इस तरह के दर्द से अगर आप परेशान हैं तो आज की वीडियो आपके लिए ही है। आज मैं जो रेमेडी लेके आई हूँ, आप इसे घरेलू नुस्खा कहिए या रेमेडी कहिए, ये हमने घर में यूज़ किया है और ये 100% इफ़ेक्टिव नुस्खा है। आज की वीडियो में मैं आपको दो तरह के नुस्खे बताने वाली हूँ और दोनों को आपने साथ में ही यूज़ करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो 100% आपका दर्द खत्म हो जाएगा और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सभी को नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप आए हैं किचनशाला में और किचनशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लेंगे एक पतीला और पतीले में हम 2 गिलास पानी डाल लेंगे। पानी को मैंने उबलने के लिए रख दिया है और ये देखिए यहाँ मैंने 5 पत्ते लिए हैं। पत्तों को मैंने धो लिया है, आपने भी 5-6 पत्ते लेने हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पत्ते कौन से हैं। मैं आपको वीडियो के लास्ट में पौधा भी दिखाऊंगी और पत्ते भी बताऊंगी कौन से हैं। पत्तों को हम सिंपली तोड़ के भी डाल सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं आता। पत्तों को मैं यहाँ कूट के डालूंगी। इनको इस तरह से छोटा छोटा काट लेते हैं या फिर हाथ से तोड़ लीजिए और इस कुंडी में डाल के, ओखली में डाल के, और 1 चम्मच पानी डाल के हम कूट लेंगे। पानी डालने के बाद ये जल्दी कूट जाएंगे। और ये देखिए इनको मैंने कूट लिया है, तो अब इनको हम पानी में डाल देंगे। पानी भी हमारा गर्म हो चुका है। इस तरह कूट के डालेंगे तो पत्तों का सारा रस पानी में आ जाएगा और फिर ये 100% रिजल्ट देगा। और एक बार चम्मच से मिला देते हैं। पानी को हमने इतना उबालना है तकरीबन 8-10 मिनट कि ये जो हमने 2 गिलास पानी लिया है ये कम होके 1 गिलास रह जाए। इस रेमेडी को हमने घर में यूज़ किया है, ये बहुत इफ़ेक्टिव है। मैंने नहीं, मेरी सासू माँ ने यूज़ किया है। उनको भी साइटिका पेन हो गया था कोरोना के टाइम में और उस टाइम लॉकडाउन भी लगा हुआ था, तो हॉस्पिटल में भी नहीं जा सकते थे, तो हमने ये वाली रेमेडी यूज़ की और वो बिल्कुल ठीक हो गई। तो मैंने सोचा क्यों ना औरों के साथ भी शेयर की जाए, और किसी का भी अगर दर्द कम हो जाता है तो हमारा क्या जाता है। अगर आप भी इस रेमेडी से ठीक हो जाते हैं तो आप भी वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करना, ताकि और किसी का भी फायदा हो जाए। और ये देखिए पानी को उबलते हुए 7-8 मिनट हो चुकी हैं और ये पानी देखिए 1 गिलास ही बच गया होगा, या 1 गिलास से भी मुझे कम ही लग रहा है। तो अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसे छानेंगे। और ये देखिए इसको मैंने छान लिया है। जो ये पत्ते बचे हुए हैं ये हमारे अब किसी काम के नहीं हैं, इनको हम फेंक देंगे। ये पानी देखिए, इसको आपने सुबह शाम दोनों टाइम पीना है। हल्का गुनगुना ही पी लीजिए और खाना खाने से आधा घंटा पहले पीना है, सुबह शाम दोनों टाइम। आप इसे दवाई समझ के पिए या देखिए कोल्ड ड्रिंक समझ लीजिए, कितना अच्छा कलर इसका आया है, लेकिन पीना जरूर है। इसके साथ ही मैं आपको एक और नुस्खा बताने वाली हूँ, आपने दोनों को यूज़ करना है, तब आपको 100% इसका रिजल्ट मिलेगा। ये देखिए ये लिया है मैंने मेथी दाना। मेथी जोड़ों के दर्द के लिए भी बहुत अच्छी होती है, और अगर कब्ज वगैरह की समस्या है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, तो वो भी इससे दूर होती है। तो हम क्या करेंगे, रात को सोते टाइम 1 चम्मच मेथी भिगो देंगे, कप में डालेंगे और इसे पानी का भर के रख देंगे, ढक के रख देंगे। और आपने सुबह इसको लेना है, जब आप सुबह उठेंगे तो ये देखिए आपको सुबह इस तरह की मिलेगी। ये देखिए मेथी कैसे फूल गई है और अब ये सॉफ्ट हो गई है, अब इसे आराम से हम खा भी सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, छान लेंगे हम, और ये जो मेथी है अच्छी फूल गई है, इसको आपने चबा चबा के खाना है और जो इसका पानी है उसको पी लेना है। आप चाहें तो इसे सुबह उठते ही खाली पेट खाएं, लेकिन कई लोगों को बड़ी समस्या होती है कि उन्हें बेड टी चाहिए, नहीं तो सिर में दर्द हो जाता है। तो ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है, आप चाय पीने के बाद आधा घंटा बाद भी खा लें तो भी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन खाना इसे खाना खाने से पहले ही है। वो पत्तों वाला पानी भी आपने खाना खाने से पहले पीना है और मेथी को भी पहले ही खाना है और मेथी वाला पानी भी पहले ही पी लेना है। इस बात का आपने खास ध्यान रखना है, मेथी वाला पानी और मेथी आपने सिर्फ सुबह यूज़ करने हैं,
और ये जो पत्तों वाला ग्रीन पानी है ये सुबह शाम दोनों टाइम यूज करना है। और आपने ऐसे बिल्कुल नहीं करना कि दो तीन दिन पिया और छोड़ दिया कि कुछ आराम नहीं हुआ, छोड़ो। ऐसा जादू नहीं लगता किसी चीज से। आपको 10-15 दिन जब हो जाएंगे इसे पीते हुए तो आपको पता चलेगा कि आराम होना शुरू हो गया है, और आप इसे 1-1.5 महीना जरूर पीना, आप 90% ठीक हो जाएंगे। और अगर आप इसे 2 महीने पी लेते हैं तो आपको 100% इसका रिजल्ट मिलेगा, बिल्कुल आपको ठीक कर देगा ये। और जोड़ों के दर्द में परहेज की बहुत इम्पोर्टेंस होती है, परहेज भी दवाई का काम करता है। आपने खट्टी चीज़ों का परहेज करना है, जैसे दही, लस्सी, छाछ, नींबू और आम, और इसके साथ आपने जोड़ों के दर्द की जो भी एक्सरसाइज होती हैं वो ज़रूर करनी है। हल्की फुल्की एक्सरसाइज आप ज़रूर कीजिए। अगर आप मेरे बताए तरीके से दोनों चीज़ों को यूज़ करते हैं तो आप 100% ठीक हो जाओगे। और जब आप ठीक हो जाओ तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ भी शेयर ज़रूर करना ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। तो चलिए अब मैं आपको पत्ते दिखा देती हूँ मैंने कहाँ से तोड़े हैं। ये देखिए, ये है पारिजात का पौधा, ये इसके पीछे गिलोय की बेल है, ये आगे वाले पत्ते आप देखिए, ये चौड़े चौड़े जैसे पान जैसे पत्ते हैं ना, ये पारिजात का पौधा है। इसे हार श्रृंगार का पौधा भी कहते हैं, ये इसी के मैंने पत्ते तोड़े हैं, हार श्रृंगार के 5 पत्ते हमने इसके तोड़े हैं। 6 भी ले सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि 5 ही लें, 5-6 पत्ते आपने इसके लेने हैं। और रोज सुबह शाम पानी में उबाल के, जब 2 गिलास पानी 1 गिलास रह जाए तब छान के थोड़ा ठंडा करके और पी लेना है खाना खाने से आधा घंटा पहले। अगर आप मेरे बताए तरीके से इसे यूज करते हैं और 2 महीना आप परफेक्ट ले लेते हैं तो आपको ये 100% ठीक करेगी ही करेगी। और जब आपको कभी 1-2 साल बाद दोबारा से ऐसा हो जाए पेन तो फिर से रिपीट कर लेना। बहुत अच्छा ये नुस्खा है, हमने घर में यूज़ किया है और मैंने इसका रिजल्ट देखा है, तभी मैंने वीडियो बनाई है। मैंने पहले एक नज़ले और जुकाम की वीडियो डाली थी सूंघने वाली, और तब किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि एक जोड़ों के दर्द की वीडियो भी बनाना। उस टाइम भी मुझे इस रेमेडी का पता था लेकिन हमने घर में यूज़ नहीं की थी, मैं 100% श्योर नहीं थी ये ठीक करती है या नहीं, इसलिए तब मैंने वीडियो नहीं डाली। लेकिन अब मेरी सासू माँ को जब प्रॉब्लम हुई और हमने घर में यूज़ की और इसका 100% रिजल्ट आया तो मैंने सोचा क्यों ना औरों के साथ भी इसे अब शेयर करूँ। तो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल वाला बटन भी दबा देना ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलते हैं इसी तरह की यूजफुल रेमेडी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।